वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे चैनल में। और आज काफ़ी अच्छा डे है, और आज क्या है, डैड फादर्स डे और ग्रैंड, तो हम कुछ इसी पे हमारा ब्लॉग है, बोलिए। I would like to say every means either it's been young, it's small, or anyone should tell about importance of father in this world. और इसी के साथ मम्मी आ गई है। बोलिए, फादर्स डे कुछ। इसको देख के चिढ़ गई कितना जोर से। फादर्स डे में कुछ बोलना चाहेंगे? हम क्या बोलेंगे? मदद। वो मेरा फादर तो कब चले गया, कोई बोल नहीं सकते। हाँ चलो, जो जब मेरे फादर जहाँ पर है, आज हम याद कर रहे हैं फादर को। और मेरा फादर जहाँ भी है, अच्छा रहे, खुश रहे, जहाँ जन्म हुआ है अच्छा से अपना जिंदगी बिताए। आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा फादर खुश रहे। पापा कहाँ? Happy Father's Day. और कुछ बोलो? पापा ऐसे है, अच्छे है, ये ऐसा और क्या बोलो? इंग्लिश में बोल रहे, ठीक है? क्या बोलो? मैं सोच रहा हूँ, आराम से बोल, क्या बोलो? बोलो पापा अच्छे से है ना? पापा ठीक है। Happy Happy Father's Day and I love my father very much. तुम बोलो। Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. I love you, Papa. I love you, Papa. तुम भी बोलो। बोलो Happy Father's Day. नहीं। तुम नहीं बोलो। और इसी के साथ। और बोलो। बोलो Happy Father's Day. और इसी के साथ हमारे पापा आ गए हैं, तो कुछ पापा के साथ बात किया। फादर्स डे, फादर्स पापा पिता को एक प्यार भरा संदेश है, और जैसा सब चीज़ हर दिन मनाया जाता है साल में एक दिन, इस तरह का पापा के लिए, फादर्स डे के लिए पापा के लिए मनाए जाते हैं। और बच्चे अपने पापा को बहुत प्यार करते हैं, और पापा उनको आशीर्वाद देते हैं कि बच्चे हमारे ऐसी रहे, और यही है। और एक प्यार होता है, दोनों का रिश्ता होता है, बाप बच्चे का, पिता का, उसको सबके सामने बोला जाता है। सब अपने पापा को याद करते, कहीं भी रहे पापा भी याद करते हैं, आज फादर डे है, बच्चा हमारा कैसा है, कैसे रहेगा, क्या बोलेगा, याद है कि नहीं बच्चे को। बहुत सारे बच्चों को याद नहीं भी नहीं जाता है, तो याद रखना चाहिए। जैसे हर दिन हर चीज़ आदमी को याद रखता है। हर पिता अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनका कर्तव्य करना भी चाहिए। वो जन्म देते हैं, वो पाल पोस के बड़ा करते हैं, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। हर पिता का कर्तव्य है, फर्ज है, अपने बच्चे को सही इंसान बनाए, ताकि वो आगे चल के मदर्स डे में या पापा की याद रखें, उनके कामों को हम सराहना करें और उनका आशीर्वाद लें। पापा मम्मी का आशीर्वाद बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका एक होना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि हर बच्चे अपने पापा को याद करें, विश करें और उनका आशीर्वाद लें। थैंक यू। ये मेरे पापा की, डैडी की पहली बाइक थी, जो कि पापा ने लिया था 1990 में। ये देखिए, ये पहली गाड़ी है, और ये आज भी हमारे घर पर रखी हुई, हम पापा ने इसे बेचा नहीं है। तो ये पापा की पहली बाइक थी, और इसके बाद पापा ने ये स्कूटी लिया। ये है स्कूटी पापा का, ये दूसरा स्कूटी है जो पापा ने रिसेंटली लिया है। और ये है अपना घर, ये है अपना घर,
और इसके बाद पापा ने लिया है ये कार जो कि पापा ड्राइव करने वाले हैं। ये है पापा का नया कार। बैठे हुए हैं पापा चला रहे हैं। अब ये गाड़ी कभी लिए था आपने? 2014 में ना, 13 में। तो ये गाड़ी पापा ने 2013 में लिया है। पापा को बताइए, 13 में गाड़ी मैंने पहले बैग कंपनी का पहले निकला है, फर्स्ट टाइम में निकला। अच्छा, ग्रैंड आई टेन। ओके, और न्यू था तो सोचा कि चलो भाई इसमें करने के लिए कैसा करना पड़ेगा। तो जी, और बहुत अच्छा, अभी तक तो सात आठ साल हो गए हैं, हम बहुत बाहर भी गए हैं। चप्पल पहन के आइए, चप्पल पहन कर आइए। Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can we feel it? Almost like I don't know if it's real, 'cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip. Trip, oh, I flick the switch, kill the lights. बड़ा प्यार है, रखा हुआ सामने ही फ्लैट है, गंगोत्री फ्लैट है, और ये है अपना घर। आप सबको हैप्पी फादर्स डे, और अगर आपने यहाँ तक चैनल देख लिया है तो सब्सक्राइब्स और लाइक्स और कमेंट्स प्लीज़ करके जाइएगा। बाय, मिलते हैं किसी ऐसे ही ब्लॉग